शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। शर्म ना आ रही है तारे को ऐसी बात करते हुए? चिड़को नमक खाए हुए तो हड़के ही जीवन के दंड गिन रहे हो? ठाकुर साहब को लूटने की हिम्मत कौन कर सके? फूल, चुप क्यों है तू? देखा है तूने किसी को लूटते हुए ठाकुर साहब को और तो मारते हुए? हमारे रणवीर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर उसकी गाड़ी वठे मिली है तो वो भी वहीं कहीं होगा। जाओ जाकर ढूंढो उसे। तुम लोग चिंता ना करो, हमारे रणवीर को कुछ नहीं होगा। मैं उसे खोज निकालूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। कमिश्नर साहब, मैं ठाकुर भंवर सिंह बोल रहा हूं। दीप और सुमेर को उठाओ और उन्हें बोलो कि जीप लेकर जाए और पहाड़ी की उस तरफ ढूंढे उसे। जी। तू चिंता न कर कमल, कुछ नहीं होगा हमारे रणवीर को। हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई है, 10 मिनट में सारी पुलिस की फौज उसे ढूंढने में लग जाएगी। हमारी मंत्री साहब से बात करवाओ। चिंता मत करो माई, हो सकता है तुम्हारे पुत्र के विवाह का अनुकूल समय नहीं आया, परंतु निराश मत होना, उनके घर देर है अंधेर नहीं है माई। भज गोविंद, भज गोविंद। जाओ बहन, तुम भी जाकर आशीर्वाद ले लो। ये भगवान श्री कृष्ण का पवित्र स्थान है, यहां तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अपना नाम बताओ बेटी, कहां से आई हो? देखो, तुम्हारी जो भी समस्या है कान्हा उसे जरूर सुलझाएंगे। बताओ बेटी, चिंता मत करो, अपना परिचय दो। हमारा नाम रुक्मी है और ये चेहरा हमारी पहचान। भगवान, ऐसा रूप और उस पर ये बदसूरत डाग, भगवान भी कभी कभी किसी के साथ बहुत अन्याय करते हैं। माई, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कृपया आप सब लोग बैठ जाओ। उनकी लीला तो अपरंपार है, हो सकता है इस दाग के बदले भगवान ने उसे वो दिया हो जो ये चाहती थी। आपकी बात बिल्कुल सच है गुरुजी। मैंने ये दाग किसी अपने की जान के बदले में मिले, पर हमारे को कान्हा से कोई शिकायत ना है, किसी से भी कोई शिकायत ना है।
यहाँ आओ बेटी, आओ। तो यहाँ कैसे आना हुआ, किसके साथ आई हो? गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर दो बहन, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? हमारा कोई घर नहीं है, मैं अकेली। इस तरह निराश मत हो बेटी, इंसान ने समाज और परिवार इसलिए बनाए हैं कि इस जगत में कोई भी अपने आप को अकेला न समझे। और फिर तुम्हारे साथ तो कृष्ण भक्ति है, तुम अपने आप को अकेली क्यों समझती हो? तुमने अभी अभी कहा कि किसी अपने की जान के बदले तुमने ये दाग अपने चेहरे पर लिया और उसे भगवान की मर्जी समझकर उसे स्वीकार भी कर लिया। यानी तुमने जिसे कभी देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया, उस दाग देने वाले को तुमने माफ कर दिया। तो फिर इस दाग की ऊपरी बदसूरती को देखकर तुम्हें चाहने वाले अपनों को तुम माफ क्यों नहीं कर रही हो? क्यों इस तरह उनसे नाता तोड़कर अपने आप को अकेली मान रही हो? हो सकता है आज वो तुम्हारी कीमत नहीं जानते, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हारे अंदर की सुंदरता जान जाएंगे। इसलिए जा, अपने घर वापस जाओ, अपनों के पास। हो सकता है उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। ना गुरुजी, हमारी किसी को कोई जरूरत ना है। अपने कर्तव्य से कब तक भागोगी बेटी? अपना कर्तव्य पूरा करने वास्ते ही तो मैं घर से दूर आई हूँ गुरुजी, अपनों की खुशी वास्ते। मैं अपने अतीत को घड़ों पीछे छोड़ आई हूँ गुरुजी, अब यही मेरा जीवन है। मैं वापस ना जा सकूं। मन के घाव ने तुम्हें दिशाहीन बना दिया है। जब मन शांत हो जाएगा, तूफान थम जाएगा, तो मार्ग अपने आप साफ दिखाई देगा और वो दिन जरूर आएगा। अपने आप पर विश्वास रखो, उस पर विश्वास रखो। भज गोविंदम, भज गोविंद। सत्यव्रत, बेटी कुछ दिन यहीं रुकेगी, उसके रहने का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरु जी। भज गोविंद, भज गोविंद। ये क्या मोहित, तुम संडे के दिन भी काम में उलझे हुए हो? चलो आओ ना, दोनों मिलके एक कप चाय पीते हैं, तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें ब्रेक भी मिल जाएगी। आओ ना। मोहन, मुझे काम करने से। Thank you.
ही जाल में खुद फंस गई ना। शायद मैं फंसना ही चाहती थी। आजकल तुम्हें बहुत मस्ती से गुजरी है। हाँ, लेकिन देखो तो मेरी मस्ती ने तुम्हारा मूड फ्रेश कर दिया ना। चलो एक कप चाय और कुछ स्नैक्स हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जैसा मजेदार कपल इस दुनिया में कोई नहीं है। पता है, कुछ ऐसी ही शादी है अलाइवा के बेक क्रैकर्स और चटपटे मसालों की। लो ट्राई करो। वेरी नाइस। पता है मोहित, अलाइवा का नया पैकेट अब 5 रुपए में भी मिलता है। अब हम सिर्फ 5 रुपए में अलाइवा की टेस्टी क्रैकर्स का मजा ले सकते हैं। काकी साहब चिंता मत करो, रणवीर को कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मामा साहब चलो चलो। पापा साहब आप पहाड़ी की तरफ जाओ, हम घाटी की तरफ जाएंगे। भट्टे का इलाका घनो पथरीला है और हमें नदी भी पार करना पड़े, तो आप भट्टे ना जाओ तो अच्छा है। मैं और मामा साहब चले जाएंगे। ठीक है चलो मामा साहब। मासा कटे। मासा अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये खबर मासा के कान तक ना पहुंचे। मने पूरा विश्वास है कि रणवीर मिल जाएगा। नींदनी, इतना रोने को नाटक क्यों कर रही? ये सब कुछ थारे और थारी जीजी की वजह से ही तो हुआ है। चारों रणवीर इतना परेशान थो कि उसको पता भी ना चलियो कि वो गाड़ी लेके कठे जा रहा है, वरना वो घाटी कितनी खतरनाक है ये बात रणवीर अच्छी तरह से जानता था। कान खोल के सुन ले छोरी, जो मारे रणवीर को कुछ हो गया ना, तो मैं थारे को कभी भी माफ ना करूं। हसा हसा क्यों ऐसी अशुभ बातें करो? क्यों सोचो कि ठाकुर साहब को कुछ हो जाएगा? हसा को कुछ ना होगा, सही सलामत आ जाएगी। ताया साड़े कहो है और मारो मन भी यही कहे कि ठाकुर साहब जरूर मिल जाएगा पास। अरे पांडे क्या बात है, ऐसे गाड़ी खड़ी करके क्या सोच रहे हो? किसी ने देख लिया तो? और क्या करे मामस, अगर उसे ढूंढने भी जाएंगे तो हमें कटे मिलने वाला हो। अठे चुपचाप बैठे रहेंगे, रास्ता सुनसान, अठे ना कोई आवे ना जावे। कुछ समय अठे भी बैठे रहेंगे और फिर घर जावेंगे। और संजोग भी देखो मामा साहब, जिसे मैंने खुद मारा है उसे ढूंढने निकली हो। एक बात सुन ले भांजे, जिंदगी में भी ये बात अपने आप से भी मत कर, भूल जा, जो भी हुआ है उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं मामा साहब, कैसे भूल जाऊं? मजबूरी में सही मैंने अपने छोटे भाई का खून किया है, मुझे घना दुख हो रही है, पर मैं भी क्या करता, समय की मांग थी, मजबूरन मारे को करना पड़ा। तो भांजे समय को बह जाने दे, अपने मन में पकड़ के मत रख, समझ ले जो कुछ हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं था, समझो? मासा, उमर, मारी छोरी, तारे भाई सा, संभालिए अपने आप को मासा, भरोसा रखिए,
भाई साहब बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। जी ताई साहब, मैं अभी हवेली से निकल रहा हूँ, मेरी ताईसा से बात हो चुकी है, मैं पहाड़ी पे जा रहा हूँ उनके साथ। मोहित, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे फोन कर देना। ठीक है। ए कमल, पानी पी ले वरना तने चक्कर आ जावेगो। जीजी, जब तक मैं खुद रणबीर ने हाथ देख लू तब तक मारे गले से कुछ ना नीचे उतरोगो। कमल पानी पी ले, ऐसे जिद ना करो। और फिर ये भी तो सोचिए ना, जब भाई साहब वापस आएंगे और आपको इस हालत में देखेंगे तो कितना परेशान होंगे। मोमल, अपनी भाभी साने संभाल। भगवान मारे ठाकुर सा की रक्षा जरूर करेंगे, उनको कुछ ना होगा, है ना मुमल? वो मिल जाएंगे ना? हाँ भाभी सा, भाई सा जरूर मिल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तरह खाली पेट नींद नहीं आती बहन, कृपया भोजन कर लीजिए। हर नारी अन्नपूर्णा का रूप होती है, इस तरह अन्न का अपमान करके आप पाप की भागी क्यों बनना चाहती? कृपया भोजन कर लीजिए। मोहित का फोन क्यों नहीं आया? मैंने उससे कहा था कि जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करे, पर अभी तक उसने। ताया सा, रणवीर कटे हैं। अब रणवीर कभी इस घर में वापस ना आएगा। वो हमें हमेशा वास्ते पराये करके दुनिया छोड़ के चले। अपने आप को
कभी इस घर में वापस नहीं।